ये देखिए बने हैं ना एकदम हल्दीराम स्टाइल सॉफ्ट स्पॉन्जी और रसीले मिनी रसगुल्ले। और ये रसगुल्ले हम केवल 5 मिनट में प्रेशर कुकर में बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बंगाली स्वीट्स रसगुल्ला बनाएंगे। अगर आप मार्केट की तरह एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी और रसीले रसगुल्ला बनाना चाहते हैं तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। और फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि मैं आपको बीच बीच में कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूं जिससे आपके रसगुल्ला एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हल्दीराम स्टाइल मिनी रसगुल्ला बनाना। रसगुल्ला बनाने के लिए मैंने 1 लीटर गाय का दूध लिया है और हमें कच्चा दूध लेना है, यानी कि पहले से उबला हुआ दूध नहीं लेना है। छेना के लिए गाय का दूध इसलिए लिया जाता है क्योंकि गाय के दूध में फैट नहीं होता है। अगर फैट वाला दूध यूज करेंगे तो रसगुल्ला ऑयली लगेंगे क्योंकि फैट वाला दूध घी छोड़ देगा। अब गाय के दूध को हम उबाल आने तक पकाएंगे। दूध में जब उबाल आ जाए तो गैस बंद कर देंगे और इसे हम 3 से 4 मिनट तक छोड़ देंगे हल्का सा ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम दूध को सेपरेट करेंगे। 4 मिनट के बाद दूध हल्का सा ठंडा हो गया है। दूध को सेपरेट करने के लिए अब हम इसमें 1 चम्मच व्हाइट विनेगर डालेंगे, मिक्स करेंगे। विनेगर की जगह आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। दूध सेपरेट होना शुरू हो गया है और हमें विनेगर को तब तक डालना है जब तक कि दूध पूरी तरह से सेपरेट हो जाए। ये देखिए दूध फट तो गया है पर पूरी तरह से सेपरेट नहीं हुआ है। इसमें ये जो सफेदपन दिख रहा है वो नहीं दिखना चाहिए, यानी कि पानी और छेना बिल्कुल अलग अलग बुझाना चाहिए। थोड़ा सा विनेगर और डालेंगे, मिक्स करेंगे। हाँ, अब परफेक्ट है। ये देखिए पानी एकदम पतला हो गया है। अब दूध अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है, यानी कि छेना और पानी बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। अब हम एक छन्नी के ऊपर कोई भी कॉटन क्लॉथ रखेंगे, कपड़ा पतला होना चाहिए, रुमाल भी ले सकते हैं। छेना को इसमें डालेंगे, सारा पानी निकाल देंगे। और ये जो छेना का पानी निकला है इसे फेंकना नहीं है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, इसे आप आटा गूंथने में, चावल बनाने में या सब्जी की ग्रेवी में यूज कर सकते हैं। इसे हम एक तरफ रख देंगे। अब छेना में पानी डालकर इसे वॉश करेंगे जिसमें इसमें से विनेगर या नींबू का फ्लेवर निकल जाए। टोपली बनाकर इसका सारा पानी निकाल देंगे। और फ्रेंड्स, छेना को वॉश करने का एक और रीजन भी होता है, ये बहुत ही ज्यादा गर्म होने के कारण इसका पानी निचोड़ने में हाथ जल जाएंगे, तो इसलिए भी हम इसे पानी डालकर हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। अब छेना को प्लेट में ले लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, छेना की कंसिस्टेंसी, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो गीला बनेगा और रसगुल्ला चाशनी में बिखर जाएंगे। अब छेना को हथेली से मसल मसल कर चिकना करेंगे। इसे हमें लगभग 4 से 5 मिनट तक मसल कर चिकना करना होगा। और हाँ, ध्यान रखें कि ये प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर छेना को कम मसलेंगे तो यही वो प्रोसेस है जिसमें लोगों से गलती हो जाती है और छेना की मिठाई या तो हार्ड हो जाती है या फिर चाशनी में बिखर कर फूट जाती है। हमने छेना को मसल कर चिकना कर लिया है। चेक करने के लिए इसका गोला बनाकर देख लेंगे। गोले में क्रैक नहीं आ रहे हैं और गोला आसानी से बन रहा है, तो छेना अच्छे से मैश हो गया है। अब छेना में 1 टीस्पून प्लस 1/2 टीस्पून अरारोट डालेंगे। 1 टीस्पून 5 ml का होता है और अगर आपके पास टीस्पून नहीं है तो कोई भी दवाई का ढक्कन होता है जो कप सिरप वगैरह में आता है जिसमें ml का ढक्कन होता है, उससे आप 7.5 ml नाप सकते हैं। अब अरारोट को छेना में मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक फिर से मसलेंगे। अब रसगुल्ला बनाने के लिए हमारा डो तैयार है और परफेक्ट डो बना है। अब हम रसगुल्ला बनाने से पहले चाशनी बनने के लिए रखेंगे ताकि जब तक हम रसगुल्ला बनाएंगे तब तक हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम प्रेशर कुकर में रसगुल्ला बना रहे हैं तो हमें प्रेशर कुकर में 1 कप चीनी लेना है। मेजरिंग के लिए आप कोई भी कटोरी या कप ले सकते हैं। और अब हमें उसी कप से 3 कप पानी लेना है, यानी कि जितनी चीनी होगी उससे 3 गुना पानी होना चाहिए। यहाँ पर मेरा कप 200 ml का है। और ध्यान रखें कि हमें रसगुल्ले को चाशनी में पकाना होता है तो चाशनी कम नहीं होनी चाहिए। अब चीनी को पानी में घुलने तक पका लेंगे जब तक कि हम रसगुल्ला बनाकर तैयार करेंगे। डो में से बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, दोनों हथेली के बीच में रखकर हल्के हाथों से प्रेस करते हुए गोल करेंगे और एकदम गोल चिकना गोला बनाकर तैयार करेंगे। प्लेट में रखेंगे। यहाँ पर हम मिनी रसगुल्ला बना रहे हैं तो हमें चेरी के बराबर छोटे छोटे रसगुल्ले बनाना है। और जब ये रसगुल्ला चाशनी में पकेंगे तो ये अपने साइज के 2 गुने हो जाएंगे।
हमने सारे रसगुल्ले बना लिए हैं और एक लीटर दूध में 24 रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं। अब चाशनी चेक कर लेते हैं, तो हमारी चाशनी भी बन गई है। चीनी पानी में अच्छी तरह से घुल गई है। अब हम इसमें एक रसगुल्ला डालेंगे। ध्यान रखें कि कभी भी पूरे रसगुल्ले एक साथ ना डालें। चेक करने के लिए हमेशा एक रसगुल्ला डालकर 10 सेकंड तक पकने दें और देखें कि कहीं हमारा रसगुल्ला चाशनी में बिखर तो नहीं रहा है। परफेक्ट, बिल्कुल सही बनी है। अब एक एक करके सारे रसगुल्ले प्रेशर कुकर में डालेंगे। ध्यान रखें कि चाशनी का टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए, चाशनी में उबाल बने रहना चाहिए। अब हमें क्या करना है कि प्रेशर कुकर के ढक्कन में रबड़ लगी रहने देंगे। प्रेशर कुकर में ढक्कन लगा देंगे, प्रेशर कुकर में ढक्कन लगा देंगे और हाँ, हमें सीटी निकाल देनी है, यानी कि इसकी स्टीम निकलने देना है। और अब आंच तेज कर देंगे और रसगुल्ले को 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। और फ्रेंड्स, ये आपकी गैस की फ्लेम पर भी डिपेंड करेगा। गैस की फ्लेम तेज ना हो तो आप रसगुल्ला को 10 से 12 मिनट तक पका लें। हमारे 7 मिनट हो गए हैं और अब रसगुल्ला को चेक कर लेते हैं। वाह, रसगुल्ला बहुत ही स्पॉन्जी और खूबसूरत लग रहे हैं। लग रहा है ना बस कि अभी खा लूं। रसगुल्ला को ठंडा होने देंगे, उसके बाद इनको सर्व करेंगे। तो ये हो गए हमारे तैयार हल्दीराम के मिनी रसगुल्ले, एकदम सॉफ्ट, स्पॉन्जी और रसीले, जिनको देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो देर किस बात की, जल्दी से बनाइए मिनी रसगुल्ले और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि कैसे बने आपके रसगुल्ले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी के साथ।